नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, सामने आ रहा है जैन धर्म का पर्युषण पर्व, क्षमा पर्व। और आज मैं पुणे के शत्रुंजय तीर्थ में, और आप जिन शख्सियत को देख रहे हैं आप पहचान रहे हैं कि जैन साध्वी जी हैं, और ये ध्यान योगी शिव मुनि श्रमण संघ की साध्वी प्रिय दर्शना जी, उपनाम है प्रियदा, हमारे सामने। साध्वी जी, सबसे पहले आपको वंदन, आपको नमन। मेरा सवाल यह है साध्वी जी, कि जैन धर्म के पर्युषण पर्व पर क्षमा याचना का बड़ा महत्व है, आप क्षमा याचना को किस तरह से परिभाषित करते हैं? क्षमा याचना करनी क्यों जरूरी है, और दिल से करनी कितनी जरूरी है, और अगर दिखावटी की जाती है तो उसको आप किस रूप में समझते हैं साध्वी जी? जैन धर्म में क्षमा को धर्म की माता कहा है। जो उसमय तस्य अति अरहणा, जो न उसमय तस्य नति अरहणा। जो उपशम भाव, क्षमा भाव में रहता है, उसी की आराधना साधना जीवन की रीति नीति सफल होती है। और जो उपशम भाव, क्षमा भाव में नहीं रह पाता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में निष्फल हो जाता है। इसलिए हमें क्षमा भाव अपनाना जरूरी है। क्षमा भाव के लिए जैन धर्म में एक बहुत ही मूल गाथा आती है कि खामे में सबे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूयेसु वेरम मज्जम न कह नहीं। मैं सबको क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करें, सबका मेरे प्रति मैत्री भाव है, किसी का मेरे प्रति कोई वैर विरोध नहीं है। मेरा सबके प्रति मैत्री भाव है, किसी का मेरे साथ में कोई वैर विरोध नहीं है। ये गाथा में चार चरण हैं। पहले चरण को पढ़ते खामे में सबे जीवा, इससे हमारे भीतर का क्रोध कषाय दूर हो जाता है। दूसरा चरण है सबे जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा करें। जब हम हाथ जोड़ करके दूसरों से क्षमा याचना करते हैं तो उस समय हमारे भीतर का अभिमान कषाय दूर होता है। मिट्टी में सब भूयेसु तीसरा चरण है, और यह बोलते ही सभी प्राणियों के प्रति एक मैत्री भाव, सरलता का भाव, प्रेम का भाव जागृत होता है। इससे माया छल कपट दूर होता है। और चौथा चरण है वेरम मज्जम न कह नहीं, मेरा सबके प्रति मैत्री भाव है, तो किसी के प्रति मेरा कोई वैर विरोध नहीं है। आज तक मैंने जिन जिन के साथ में वैर द्वेष किया, विरोध भाव रखा, अब आज से मैं उसको भी निकाल देता हूँ। क्योंकि जिंदगी की डायरी में अगर एक दो पृष्ठ खराब हो जाते हैं तो हम पूरी डायरी को नहीं फेंक देते, बल्कि उस एक दो पृष्ठ को निकाल करके ही फेंकते हैं। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति या के प्रति हमारे कोई वैचारिक मतभेद है या कोई विद्वेष पनप रहा है, तो हम उतने भाग को अलग कर दें। जैसे हमारे शरीर के पार्ट में भी हम देखते हैं कोई अंग खराब हो गया तो हम उस अंग का इलाज करते हैं जहाँ तक होता है, नहीं तो फिर उस अंग को निकाल देते हैं। ऐसा डॉक्टर करते हैं। कोई गांठ हो गई तो गांठ को निकालना जरूरी है। इसी प्रकार से भीतर में कोई वैर द्वेष की गांठ है तो उसको निकाल करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जब हम सुई धागे का उदाहरण लेते हैं, सुई छोटी सी है, सिलाई करने में काम आती है, और कैंची बड़ी है, वो काटने का काम करती है। जहाँ कहीं पर भी सिलाई करते करते थोड़ी सी गांठ आ जाए तो उस गांठ को निकाल करके और फिर आगे सिलाई प्रारंभ कर दी जाती है, न कि पूरा का पूरा धागा फेंक दिया जाता है। ये एक जीवन का सत्य है और हमें इसको स्वीकार करना है कि जीवन में हाँ जहाँ जहाँ कोई कठिनाइयाँ आ रही है तो उस कठिनाई को भी समझें, सामने वाले की परिस्थिति को भी समझें, और हम अपने मन को भी साफ करने की कला को जानें। साधु जी, कई बार ऐसा होता है कि पर्युषण में खमत खामना शब्द का प्रयोग किया जाता है, सब लोग हाथ जोड़ते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि जो वैर विरोध द्वेष जो पहले से होता है वो पृष्ठ खुला ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि उस पृष्ठ को निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। बहुत सारे मामले ऐसे सामने आते हैं। होता है ऐसा,
लेकिन उसको ये भी मानना पड़ेगा कि ये हमारे मन की कमजोरी है। जब तक हम सामने वाले के प्रति वीर द्वेष से भरे हुए हैं, यानी हम अपने मन को निर्बल बना रहे हैं, हमारा मन मजबूत नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे भीतर जो क्षमा का भाव नहीं बढ़ेगा तब तक हमारी मजबूती नहीं आएगी। और क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है जी। ये कायरों को शोभा नहीं दे, कायर इसको अपना भी नहीं सकते। तो वीर पुरुष क्षमा करके ही प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में आता है उदयन की क्षमा, जिसने की चंड प्रद्योत जो कि दासी पति बन गया था, उदयन राजा की दासी को चुरा करके ले गया था और उसके माथे पर दासी पति का पट्टा पहना दिया गया था। लेकिन जब ये पर्युषण पर्व आए और उसने उन्होंने प्रतिक्रमण किया, सब जीवों से क्षमा याचना की, तो जाकर के चंड प्रद्योत से भी क्षमा याचना की, तो चंड प्रद्योत ने ऐसी क्षमा याचना की, हंसी उड़ाई कि तुम्हारी ऐसी क्षमा शोभा नहीं देती है, तुम हाथ जोड़ रहे हो बार में, तो हृदय तो तुम्हारा जुड़ा नहीं मेरे से। तो जीवा से नहीं, जिगर से क्षमा याचना होनी चाहिए, मात्र हाथ जोड़ने से नहीं, मात्र अपने हृदय से अंतर मन से क्षमा याचना होनी चाहिए। यही बात चंड प्रद्योत ने कही थी, लेकिन उस समय उदयन ने विचार किया चंड प्रद्योत एकदम ठीक कह रहा है, तो उन्होंने उसी समय उसका दासी पति का जो पट्टा उसके माथे पर लगाया हुआ था वो उतारा और कहा आज आप मेरे साथ में चलिए, हम दोनों साथ में बैठ करके भोजन करेंगे। तो ये हुई फिर सच्ची क्षमा अपना। और इसीलिए कहा है कि क्षमा करें और क्षमा मांग लें, क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीर का भूषण है यह, कायर का व्यवहार नहीं, कायर का व्यवहार नहीं, क्षमा करे और क्षमा मांग ले। यहाँ पर जी शत्रुंजय तीर्थ में हमारा चातुर्मास चल रहा है, हमारे बड़े महाराज साहब डॉक्टर विजय श्री जी महाराज साहब का पावन सानिध्य में धर्म की गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है और बहुत सारों का मन परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि ये परिवर्तन का मौसम है जी। जब तक जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है तो हमारे का सुनना और सुनाना व्यर्थ हो जाता है, और इसलिए जीवन में परिवर्तन के लिए हमें कुछ न कुछ नियम जरूर अपनाने चाहिए। और यहाँ पर निरंतर जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ है, प्रभु के से जुड़ने के लिए भक्तावर संपूर्ण की आराधना चल रही है जी। उसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति के जो 48 श्लोक है, जो भक्त शिरोमणि आचार्य श्री मानतुंग द्वारा रचे हुए हैं, उसकी भक्ति के ये श्लोक, एक एक श्लोक का की निरंतर आराधना चल रही है। आज 28 श्लोक तक की आराधना संपन्न हुई, साधना संपन्न हुई है, और संजय भाई सनम ने भी उस आराधना को देखा है। बिल्कुल बिल्कुल देखा है, और आपने आनंद लिया है, और बहुत सारे लगभग सैकड़ों की संख्या में भाई बहन उस आराधना का आनंद ले रहे हैं। इसी तरह प्रवचन की श्रृंखला चल रही है, बहुत सारे कार्यक्रम तपस्याओं के कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे यहाँ पर बाहर गांव से आकर के भी भाई बहन तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तीर्थ है और यहाँ शांति का स्थान है। तो एक भाई जो चित्तौड़ से आए हुए हैं, उदय लाल जी बोहरा जी। आज उनको 9 उपवास की भावना है। बिल्कुल भूमिका प्रभाव पड़ता है, तीर्थ भूमि की शक्ति अपनी अलग होती है। और तप और क्षमा ये हमारे जीवन को नम्रता और सरलता से भर देते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। कहते हैं अभाव आकाश का नहीं उड़ने वाली पंखों का है, अभाव प्रकाश का नहीं देखने वाली आंखों का है, भरे समंदर में रह करके भी मीन प्यासी क्यों, भरे समंदर में रह करके भी मीन प्यासी क्यों, प्रश्न ये हमारा ही नहीं हजारों लाखों का है, प्रश्न हमारा ही नहीं हजारों लाखों का है। बिल्कुल हजारों लाखों का ये सवाल है, और आपने क्षमा पर्व की क्षमा याचना के महत्व को, और बिल्कुल जो दिखावटी जिह्वा की और जिगर की, ये दोनों बातों का जो आपने अंतर किया है, मुझे विश्वास है
कि जो व्यूवर्स हमारे सुन रहे हैं, विशेषकर जैन धर्मावलंबी और दूसरे समाज के लोग भी, क्षमा सबके लिए जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि जैन धर्म की परिधि के अंतर्गत है, ये इंसानियत की परिधि के अंदर की बात है। इसलिए इस शब्द का मार्मिक अर्थ विवेचन आपने जो किया, मुझे विश्वास है कि व्यूवर सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने अपनी व्यस्तता में हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। तो व्यूवर्स, साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी प्रियदा और इनके साथ साध्वी जी हैं जो अध्ययन कर रही हैं, इनका नाम, आपका नाम साध्वी जी? जी, दोनों के प्रति हृदय से आभार। पर्युषण पर्व पर हमने एक छोटा सा इंटरव्यू आपके सामने प्रेषित किया है, मार्मिक विवेचन है। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझेंगे और कमेंट बॉक्स पर आकर के अपनी बात जरूर कहेंगे। वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ता हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।